नमस्कार, राजस्थान चौक के सियासी कार्यक्रम सियासी चौक में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत पारीक और मेरे साथ हमेशा की तरह एक बार फिर देश के जाने माने पत्रकार विजय विद्रोही जी हैं। आज हम राजस्थान की पॉलिटिकल खबरों का एक बार फिर से पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले बात होगी वसुंधरा राजे के कल सालासर में होने वाले शक्ति प्रदर्शन की। जिस तरीके से प्रभारी आ रहे हैं, लग रहा है कि आलाकमान की ओर से आयोजन को लेकर हरी झंडी मिल गई है। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, राजेंद्र राठौड़ हो, युवा मोर्चा के नेता हो, जो कल जयपुर में सड़कों पर उतरेंगे, उनके लिए बड़ी दुविधा की स्थिति होगी। और देखना यह भी होगा कि कितनी तादाद में विधायक जो हैं उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। बात यह भी होगी कि राजस्थान के वो दो दर्जन विधायक कौन से हैं जिनकी शिकायत आला कमान को हुई है। कहा यह गया है कि वो पार्टी की गतिविधियों में सक्रियता नहीं लेते हैं, करप्शन के भी कुछ चार्जेस की बात सामने आई है। और बात इस पर भी होगी कि क्यों किरोड़ीलाल मीणा अकेले जो है सरकार से लगातार लोहा ले रहे हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर वीरांगनाओं की मांगों को लेकर उनका धरना प्रदर्शन जारी, समाधान नहीं हो पा रहा। और बात यह भी कि यूपी का जो बुलडोजर कल्चर है वो अब राजस्थान में भी दिखाई देने लगा है। विजय जी, वसुंधरा राजे का जन्मदिन 8 मार्च महिला दिवस के दिन आता है, इस बार थोड़ा पहले, 4 दिन पहले, होली एक कारण बताया गया है। लेकिन अभी तक दुविधा की स्थिति थी कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। अब अरुण सिंह आ रहे हैं प्रभारी और कहा यह गया है कि वो जाएंगे, और एक तरीके से संदेश दे दिया गया है कि पार्टी का कार्यक्रम है, आप इसमें जा सकते हैं। पहले कल विधानसभा का कार्रवाई होनी थी, लेकिन अब कल शनिवार को विधानसभा का अवकाश होगा। एक तरफ सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, युवा मोर्चा के नेता आक्रोश रैली के तहत जयपुर की सड़कों पर होंगे, लेकिन वो कौन से चेहरे होंगे जो वसुंधरा के साथ मंच पर दिखाई देंगे, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण होगी भाजपा की आने वाले दिनों की सियासत तय करने के लिहाज से। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सियासत की दशा दिशा क्या होगी, वसुंधरा को कहाँ तक किस रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा, बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि कल जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है उसके जरिए पता लग जाएगी। आप मुझे बताइए सुशांत जी, आपने कितनी बार सुना कि किसी नेता का जन्मदिन हो और उसमें जो प्रभारी है वो दिल्ली से चलकर आए बधाई देने के लिए, और जन्मदिन को सार्वजनिक रूप से एक पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की जाए, ऐसा कब होता है? बहुत कम होता है, और ये वसुंधरा ही कर सकती थी। और पहला राउंड तो हम मानकर चलते हैं कि वसुंधरा के खाते में गया है, और आला कमान जरूर कुछ झुका है, और आला कमान नहीं चाहता कि ये इस तरह का चला जाए कि गुटबाजी है, खेमेबाजी है, धड़ेबाजी है, और आला कमान इसके साथ नहीं है, अलग है, नाराज है। अगर ये भाव जाता तो फिर जो वसुंधरा समर्थक थे वो मंच से जो भाषण देते उनकी भाषा भी कुछ अलग होती, कुछ चुनौती देने के स्वर में भी होते। अब जब आला कमान साथ है करीब करीब, और ये कम से कम ये संकेत दे रहा है, तो कम से कम एक अनुशासन बना रहेगा, भाषा का एक संयम हो सकता है वसुंधरा को ये इशारा किया गया हो कि आप भाषा के संयम को बनाए रखें, और आला कमान को चुनौती देना, या कुछ लोगों ने अभी जैसे चुनौती देनी शुरू ही कर दी थी कि किसी भी ताकत में किसी भी हाल में वसुंधरा ही मुख्यमंत्री बनेंगी, और ऊंची आवाज दिल्ली सुनना पसंद नहीं करती, खासतौर से बीजेपी के जो दोनों बड़े नेता हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनको तो ऊंची आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या वो कुछ और तरीके से देख रहे हैं इन चीजों को कि चीजें नियंत्रण में रहें? नहीं, अभी तो देखो फिलहाल तो वो इसलिए कि अभी चुनाव दूर है और अभी ये चीज उनको उबाल नहीं आने दिया जाए, और अभी थोड़ा सा टटोलने की कोशिश है, जैसे कहते हैं ना कि पानी में पत्थर फेंकना, तो वसुंधरा ने भी पानी में पत्थर फेंका है और देख रही है कि लहरें कैसी उठती हैं, पॉलिटिकल लहरें, तो बदले में आला कमान ने भी एक पत्थर फेंक दिया कि वो भी देख रहे हैं। और चाहे सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ अपने स्तर पर राज्य की राजनीति कर रहे हो, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर आला कमान देखता है तो वो अलग परिप्रेक्ष्य में सारी राजनीतिक घटनाक्रम को देखता है, क्योंकि राजस्थान में कुछ हो रहा है उसका प्रभाव बगल के मध्य प्रदेश में ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और दोनों राज्य बीजेपी के लिए किसी भी कीमत पर
जीतना जरूरी है, एक जगह सत्ता बचाना और एक जगह सत्ता में आना। वसुंधरा कैंप की दलील है विजय जी की, शेखावाटी का इलाका भाजपा वहां कमजोर है, एक तो ये कारण कि वहां आयोजन रखा गया, सालासर चूंकि धार्मिक स्थल है और भाजपा उसके जरिए अपना एक जो है संकेत भी देना चाहती है, और तीसरा जो दबी छुपी जुबान में कहा जा रहा है कि ये सतीश पूनिया का, राजेंद्र राठौड़ का भी गढ़ है, वहां जाकर चुनौती देना, दोनों नेता जाएंगे कार्यक्रम में कल? नहीं, मैं तो मुझे नहीं मालूम जाएंगे नहीं जाएंगे, उनका जयपुर में कार्यक्रम बताया जाता है कि महंगाई के खिलाफ और सरकार का बजट में जो बेरोजगारी पेपर लीक जैसे उन सब मुद्दों को लेकर, लेकिन युवा मोर्चा का कार्यक्रम है, बीजेपी का नहीं है, बीजेपी उसे अपना समर्थन दे रही है। हाँ, तो हो सकता है यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करके वहां चले जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आलाकमान से हरी झंडी का इंतजार करेंगे कि उन्हें कोई संकेत मिला तो शायद जाना उनकी मजबूरी भी हो जाए, अगर नहीं भी जाना चाहते। और धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल वसुंधरा के लिए कोई नई चीज नहीं है, बहुत पहले जब उनको इंट्रोड्यूस किया गया था राजनीति में प्रमोद महाजन वगैरह के माध्यम से, तब भी उन्होंने दक्षिण भारत में उदयपुर के चार भुजा मंदिर या कौन सा त्रिपुरा सुंदरी नहीं, उस समय कोई लेकिन वहां गोमती चौराहे के पास एक चार भुजा मंदिर, वहां से उन्होंने शुरुआत की, फिर त्रिपुरा सुंदरी में जाती रही और गोगा मेड़ी अभी भी वो बनेश्वर धाम में गई थी और वहां के जरिए वो संकेत देती रही है। चुनाव के नतीजे आते हैं जिस दिन, उस दिन भी वहां जाकर बैठ जाती है और जब तक कि अंतिम नतीजा नहीं आता या जीत पता नहीं होती तब तक वो वहां से उठती नहीं है, नवरात्रे और ये सब तो एक धार्मिक स्वरूप है। धर्म और सियासत में आजकल बहुत घालम घाल है, राजनीति में धर्म है, धर्म में राजनीति है, और इसका अगर कॉकटेल वसुंधरा राजे बना पाने में कामयाब होती हैं तो बीजेपी भी यही सब करती रही है, आलाकमान भी करता रहा, पार्टी भी यही सब काम करती रही है, सभी कर रहे हैं, राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार जब हाड़ौती में जन्मदिन मनाया था विजय जी, तो बताया गया था कि 50 विधायक जो हैं वो उस समय कार्यक्रम में पहुंचे थे शामिल होने के लिए। कल जो मंच पंडाल, बड़ा पंडाल बना है सालासर में और करीब 1,00,000 के लोगों के, कार्यकर्ताओं के आने का टारगेट रखा गया है, लेकिन मंच पर कौन कौन विधायक खड़े होंगे उस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं और ना केवल राजस्थान बल्कि दिल्ली तक वो दृश्य जो है देखा जाएगा? बिल्कुल रहने वाली है, और उनकी संख्या कितनी होती है? मोटे तौर पर कुछ लोग कह रहे हैं अभी शायद 72-73 विधायक, 72 हैं, उसमें से आधे से ज्यादा आ सकते हैं, कुछ लोग ये बात कह रहे हैं, कुछ फिगर 40 तक की चल रही है। तो अगर इतने लोग भी आ जाते हैं तो ये बहुत साइजेबल है, ये आला कमान को डराने के लिए पर्याप्त है। आगे वसुंधरा की ख्वाहिश पूरी होती है नहीं होती है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने, जैसा कि कुछ मीडिया में चर्चा हो रही है, या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें चेहरा घोषित किया जाए, वो पुख्ता करना चाहेंगी कि चेहरा घोषित कर दिया जाए, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानती है कि एक बार चुनाव हो गए और उसमें अगर अच्छा खासा बहुमत बीजेपी को मिल गया तो फिर कुछ भी कभी भी किसी के साथ खेल हो सकता है। और आला कमान को डर है कि वसुंधरा को अभी नाराज किया गया तो वसुंधरा भले ही अपनी कुछ हासिल नहीं कर पाए, भले ही सियासी रूप में बाद में खत्म हो जाए उनका वजूद, लेकिन एक चुनाव तो मुझे भी लगता है कि वसुंधरा बीजेपी को हराने की क्षमता रखती है। लेकिन सबसे मुश्किल दौर तो है वसुंधरा राजे के लिए, देखें सियासी तौर पर ये करो मरो का दौर है। ये उसी वैसा ही दौर है जैसे सचिन पायलट के पास तो वक्त भी बहुत है, लेकिन वसुंधरा अपनी राजनीति सियासी जिंदगी की शाम हो गई, चूक गई तो फिर उसके बाद वापसी नहीं। 70 साल उम्र हो गई है बीजेपी में, माना जाता है 75 साल बाद वानप्रस्थ आश्रम हो जाता है या मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है, तो यही 5 साल है कि सत्ता सुख ले लिया जाए फिर कहीं राज्यपाल बन के बैठा जाए। एक खबर आई कैबिनेट बैठक के बाद, जो बैठक हुई जिसमें पीसीसी चीफ मौजूद थे और कांग्रेस के करीब 26 विधायकों की शिकायत की बात सामने आई। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि आलाकमान तक इन विधायकों की रिपोर्ट गई है, कहा यह गया है कि कुछ करप्शन के भी चार्जेज हैं और दूसरा पार्टी की गतिविधियों में लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। सीएम ने फटकार लगाई, डोटासरा ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा और सीएम ने सभी मंत्रियों को कहा है कि कल अपने प्रभार के जिलों में बजट की घोषणाओं को लेकर जो है वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, जनता को बताइए। ये संकट तो है क्योंकि करप्शन तो
जनता गाहे बगाहे सवाल उठाती रहती है, अभी विधानसभा में तबादलों में पोस्टिंग में करप्शन का मुद्दा उठा, तो ये तो एक ऐसा विषय है जिसपे सरकार को गंभीरता से एक्शन लेना चाहिए, आलाकमान को सोचना चाहिए कि जो है खुलकर बात कही जाए और उनके नाम सार्वजनिक किए जाए। देखिए, नाम तो कोई सार्वजनिक नहीं करता, और मुझे लगता है कि ये शायद तैयारी हो उन विधायकों के टिकट काटने की, क्योंकि पार्टी भी अच्छी तरह जानती है कि आधे विधायकों के कम से कम टिकट काटने पड़ेंगे, और एंटी इनकम्बेंसी बहुत बार होता है कि सरकार के खिलाफ या मुख्यमंत्री के खिलाफ कम होती है, स्थानीय विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा होती है, और स्थानीय विधायकों का काट दिया जाए टिकट, चेहरा बदल दिया जाए, तो लोग पार्टी के प्रति नाराजगी थोड़ी बहुत भूल जाते हैं, खत्म कर देते हैं, उनको लगता है कि हमारी असली दुश्मनी तो इस आदमी थी और हमारा तो बदला पूरा हो गया, इसको टिकट नहीं मिला, एक कहानी तो भ्रष्टाचार की ये हो गई। और वैसे तो मुझे हैरानी हुई, सिर्फ 26 हैं, हाँ, संख्या ज्यादा होनी चाहिए, अब तक 56 तो होने ही चाहिए थे, तो अब तक 26 ही। लेकिन मामला गंभीर तो है, ये चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरह से रिपोर्ट आती है तो उन विधायकों पे तो निश्चित तौर पे तलवार लटकी होगी, अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी तक रिपोर्ट गई है। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है ये हो सकता है, ये अब इसके अंदर फिर मैं कहूंगा सचिन पायलट गुट के कितने हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा, या वो बसपा से जो आए हैं क्या वो भी शामिल हैं, निर्दलीय इसमें शामिल हैं कि नहीं। और ये भी कहा गया कि जो सियासी संकट हुआ विजय जी, उसकी वजह से विधायकों को अतिरिक्त छूट भी जो है देना एक मजबूरी हो गई थी अशोक गहलोत की, सबको सादे रखना, और उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाया विधायकों ने, अपने काम करवाए, और जो आरोप है हो सकता है उसी का वो एक हिस्सा हो। हाँ, कुछ लोग जैसा मजाक में कहते थे कि अशोक गहलोत ने हर जिले में एक, हर विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री खड़ा कर दिया, ऐसा कहा जाता था। अब वो दूसरी खबर जो आप बता रहे थे कि मंत्रियों से कहा गया है कि बजट का प्रचार प्रसार करें, तो ये बात भी मुख्यमंत्री को कहनी पड़ रही है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। कोई नहीं बोलता, बीजेपी में ऐसा नहीं होता, बीजेपी मीटिंग में ये भी उठा है विजय जी मुद्दा कि अगर सरकार से जुड़ा हुआ कोई मसला है तो कोई बाइट देने को तैयार नहीं है, मंत्री विधायक बोलने को तैयार नहीं है, ट्वीट तक नहीं करते हैं, तो ऐसे में सरकार कैसे सत्ता में वापसी का सपना देखेगी जब पूरी लड़ाई सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही हो। हाँ, ये गंभीर विचारणीय सवाल है कि संगठन और सरकार, सत्ता और संगठन दोनों पर गहलोत की पकड़ है, टोटासरा उन्हीं के आदमी कह लेते हैं, तो ऐसे में तो मिलजुल कर ज्यादा जोरदार तरीके से पार्टी के कार्यक्रम, सरकार की नीतियां, सरकार की घोषणाएं, सरकार की उपलब्धियां वो नीचे तक गिनानी चाहिए, और मंत्री गिनाएंगे तो उनको, उनके खाते में भी तो कुछ वोट जाएगा, ये सिर्फ अशोक गहलोत के खाते में तो जाने वाला नहीं है, और अगर उपलब्धियां गिनाएंगे तो उसका फायदा तो कांग्रेस एज एन होल पार्टी को मिलेगा, और उम्मीद जो उम्मीदवार है, विधायक है, उनको खुद को मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर वो अपना गाना गाने में ही आप हिचक रहे हो तो फिर तो आपको बीजेपी के पास जाकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मोदी जी के पास जाकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लेकिन एक ट्रेनिंग जरूर जो है कांग्रेस बीजेपी से ले रही है, वो है बुलडोजर, यानी जेसीबी मशीन जिसको बुलडोजर कहा जाता है, वो बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ जो है एक नया कल्चर देश में उन्होंने सेट करने की कोशिश की। हालांकि हम व्यक्तिगत तौर पर सहमत नहीं है कि इस तरह से ये चीजें हों, लेकिन राजस्थान में यूपी का कल्चर आ गया है विजय जी, हमने देखा जयपुर में पेपर लीक मामले में बुलडोजर चला, और अब जो एडिशनल एसपी थी दिव्या मित्तल एसओजी में जो ट्रैप हुई थी रिश्वत लेते हुए, उनके उदयपुर के फार्म हाउस पर भी जो है बुलडोजर चल गया है, तो क्या यूपी का कल्चर आया है, कॉपी की जा रही है, या लग रहा है कि नहीं ये एक तरीका है लोगों को बताने का कि सरकार काम कर रही है। देखिए, बुलडोजर की जहां तक बात है, ये कोई यूपी की में पहली बार बुलडोजर नहीं चले, तो मीडिया है, मीडिया ने बड़ा हवा खड़ा कर दिया, और हम लोगों में ना आदत होती भूल जाने की पुरानी चीजें, जयपुर में हो या चाहे हिंदुस्तान में बहुत सारे इलाकों में हो, अतिक्रमण का काम होता था, अतिक्रमण को तोड़ने का काम बुलडोजर ही करता था। जयपुर में जब बरामदे खाली करने का मामला था, जब अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब बरामदे खाली नहीं हो रहे थे, जोरी बाजार ऑपरेशन पिंक सिटी जो चला, ऑपरेशन पिंक सिटी, तो भी बुलडोजर खड़े किए गए थे। मेरे तो अभी मैं जब से बात कर रहा हूँ तो मुझे मेरे सामने, आंखों के सामने दृश्य तैर रहा है कि कैसे नगर निगम के तमाम छोटे बड़े बुलडोजर, जो रामनिवास बाग है
उसमें खड़े थे सड़क के दोनों तरफ, और ऐलान हुआ था कि कल व्यापारी बंधु अपनी जो अतिक्रमण किया है बरामदों का उसको खुद तोड़ लें, नहीं तो कल सुबह 6 बजे बुलडोजर चलना शुरू हो जाएंगे, और इसका ऐलान लाउडस्पीकर से होता था। तब कहानी ये थी कि बुलडोजर चलने की नौबत ही नहीं आई और व्यापारियों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया था। हाँ, ये बात है कि अब ग्लैमराइज किया जाने लगा है, प्रचार प्रसार होने लगा है, और बुलडोजर उसका प्रतीक बन गया है। हालांकि कोर्ट से लेके सब कुछ कह चुके कि साहब ये बुलडोजर चलाना ठीक नहीं है, और जो कानूनी प्रावधान है वो पूरे होने चाहिए और उसके बाद ही बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन अगर अतिक्रमण हुआ, वो साबित हुआ, तो मुझे लगता है कि दूसरे लोग स्टे ले आते हैं, और फिर स्टे बहुत लंबा खींचता है। आप ठीक मानते हैं इसको? देखिए, अगर जितनी कानूनी प्रावधान पूरे हुए और वाकई में अतिक्रमण है, तो आप उसको चाहे डायनामाइट लगा के तोड़िए, चाहे बुलडोजर लगा के तोड़िए, तोड़ डालिए, एक कहानी। मैं सही मानता हूं, नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि अगर किसी ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, ये मेरी सोच है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, कोई महल खड़ा कर दिया है, तो उसको बुलडोजर चलाकर नहीं तोड़ना चाहिए, वहां पर स्कूल खोल देना चाहिए, या कोई सार्वजनिक पुस्तकालय खोल देना चाहिए, या महिलाओं के लिए क्लब खोल दो। जैसे अभी नोएडा में या कहां गुड़गांव में कहां पे एक बिल्डिंग अभी तोड़ी गई थी, बहुत बड़ा अपार्टमेंट डायनामाइट लगा के शायद तोड़ा गया था। हाँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी। लेकिन उस समय भी यही था कि इसका कुछ दूसरा यूज किया जा सकता था, ये विध्वंस का क्या मतलब? कई बार होता है कि वो संकेत देने के लिए और एक पाठ सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए, और दूसरे लोगों को लिए देश का नुकसान तो होता है भैया जी इससे। लेकिन उसमें कहानी ये रहती है ना, जो मैंने अपना उदाहरण दिया, मेरी सोच बताई, तो मेरी सोच हो सकता है बहुत लोगों को पसंद आए, लेकिन सरकार ये सब नहीं करेगी, क्योंकि जिसकी जिसने अतिक्रमण किया है वो कल को जाके कोई और रूलिंग के तहत कहीं और जाकर किसी और अदालत में जाकर अपने पक्ष में फैसला करा लिया, तो अब कोर्ट कचहरियां भी वैसी नहीं है। इससे आगे मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन ये भी है विजय जी कि आखिरकार ये अनुमतियां क्यों मिलती हैं जब आपके पास कागज पूरे नहीं होते, आपका राइट नहीं होता, आप निर्माण कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक्शन लेना पड़ता है। तो एक तरीके से पूरे सिस्टम में बड़े सुराख हैं, और जब तक ये सुराख नहीं भरे जाएंगे, सिस्टम ठीक नहीं होगा, लोग जागरूक नहीं होंगे और अपनी बाउंड्री को फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे बिना अधिकारों के, तब तक ये व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो सकती। सियासी चौक में आज के लिए इतना ही। आपके लिए हम लगातार खबरों के पीछे की खबर, पॉलिटिकल अपडेट लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।